बहुत से भाई भाई बोल रहे थे कि क्लासिक 350 में जो चार्जिंग है उसका रिव्यू करके दिखाओ कैसे डिवाइस चार्ज लगता है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये अपनी वाली क्लासिक 350 है हेलसियन ग्रीन। ये देखो मैंने केबल यहाँ पे लगा दी है और ये अपना फ़ोन रख दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं जैसे इसको ऑन करता हूँ तो देखो चार्जिंग ऑन नहीं हुई अभी तक। ठीक है, मैं किल स्विच भी ऑन कर देता हूँ, देखो यहाँ पे एन आ गया, अभी भी चार्जिंग नहीं हुई है। और अब मैं इसको जब स्टार्ट कर दूंगा तभी चार्जिंग होगी स्टार्ट। देखो चार्जिंग स्टार्ट हो गया। ठीक है, बंद कर दूंगा तो यहाँ पे चार्जिंग अट गई। ठीक है, फिर से मैं अगर स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो गई। ऐसे भाई डिवाइस चार्ज होता है इसमें। अगर आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी तो आपका डिवाइस चार्ज नहीं होगा। वो इसलिए कंपनी ने दिया है क्योंकि भाई अगर आप फिर तो बैटरी आप ड्रेन कर दोगे कि है नहीं इसके अंदर ऐसे ही चार्ज लगा लगा के। तो इसलिए सिर्फ स्टार्ट होती है बाइक तभी जो चार्ज करता है डिवाइस। अगर कंपनी इसको डायरेक्ट बैटरी से कर देती, मतलब आप ऑन करते ही कर देती, तो आप बैटरी ड्रेन कर देती इसकी चार्ज कर करके, फिर इसमें किक है नहीं तो आप कैसे चलाते। तो इसलिए एक सिक्योरिटी फीचर के टाइप में भी है ये, और इस तरह से डिवाइस चार्ज करता, बिल्कुल अच्छे से डिवाइस चार्ज करता ठीक ठाक स्पीड में। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।